वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद शैलेश। दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक विद शैलेश को। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं दोस्तों कि क्या स्नैपचैट पे सच में डीपी लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल घंटी को दबा के ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर ले, जिससे क्या होगा दोस्तों जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो दोस्तों स्नैपचैट पे डीपी लगाया जा सकता है, इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। बहुत लोग बोलेंगे कि इस तरह से डीपी लगाया जा सकता है, इस तरीके से डीपी लगाया जा सकता है, क्या है स्नैपचैट पे डीपी लगाने की सच्चाई, चलिए इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने फोन का डेटा ऑन करें। फोन का डेटा ऑन करने के बाद जाएं अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन में, चले जाते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है स्नैपचैट का इंटरफेस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ में, और यहाँ पे गैलरी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसकी सच्चाई ये है स्नैपचैट पे क्या सच में डीपी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों स्नैपचैट में केवल अवतार लगता है, डीपी कभी नहीं लगता है। दोस्तों आगे चल के क्या हो, ये स्नैपचैट वाले कुछ ऑप्शन देंगे तो डीपी लग सकता है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें डीपी लगा सकें। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ अवतार लगता है। यहाँ पे देखिए इस पे गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से वॉलपेपर कुछ दिखाएगा, यहाँ से आप इसको वॉलपेपर लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए ये हमने लगा दिया तो अभी ये चेंज हो जाएगा, अभी ये चेंज हो रहा है दोस्तों, देखिए चेंज हो गया। और दूसरा इसको टच कर देते हैं तो ये भी अभी चेंज हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम एक हिल वाला रख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सिर्फ इसमें बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, सिर्फ इसमें बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। और यहाँ पे देखिए कोई सा बैकग्राउंड यहाँ पे चूज करके आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा दोस्तों। अब फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ से जाएंगे ऐसे बैक जाएंगे दोस्तों और फिर जाएंगे इस पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है ऐड एड न्यू स्टोरी, ये जो स्टोरी दिखा रहा है दोस्तों ना, यहीं से ये जो स्टोरी हम लगाएं ये हमको दिखा रहा है दोस्तों, और दूसरा कोई देखेगा तो ये हमारा डीपी में दिखाई देगा। अब देखिए न्यू प्राइवेट स्टोरी अब कैंप एट स्नैप, इस पर एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप यहां से कोई सा भी फोटो हो या वीडियो हो यहाँ से आप चूज करके कुछ लगा सकते हैं दोस्तों स्टोरी में। देखिए इसको हमने लगा दिया और देखिए माय स्टोरी, तो दोस्तों ये स्टोरी हमारा तो लग रहा है, लेकिन दोस्तों स्नैपचैट में कोई हमारा अकाउंट देखेगा तो उसको ये हमारा अवतार नहीं दिखाई देगा, 24 घंटे के लिए ये स्टोरी दिखाई देता है दोस्तों। अब देखिए चेंज बैकग्राउंड यहाँ से दे रहा है, चेंज सेल्फी, ये सेल्फी दे रहा है दोस्तों यहाँ पे, इस पर हमने क्लिक किया है, किसी और पे क्लिक करेंगे उसके पास कैमरा आएगा, चेंज सेल्फी हो जाएगा दोस्तों। और देखिए एडिट अवतार, एडिट अवतार में जाएंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसे हेयर लगाने को और बहुत कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोस्तों, अभी खुलेगा तो बताते हैं आपको। देखिए हो गया, अब इसको क्या करेंगे इस पर कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा ये क्या, अब इसको क्लिक करेंगे तो
आईब्रो चौड़ा हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों सिर्फ यहाँ पे देखिए स्किन टोन दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे स्किन टोन अभी खुल रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ से सिर्फ दोस्तों अवतार ही लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से डीपी आपने लगाना चाहोगे तो आप कभी नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि स्नैपचैट ने ये सेटिंग दिया ही नहीं है कि डीपी आप लगा सके परमानेंट। वो भी लगाएंगे तो ऐड स्टोरी में कोई फोटो लगाएंगे दोस्तों तो वही आपको डीपी दिखेगा। आप जैसे मान लीजिए आपको भी दिखेगा, जो दूसरा कोई आपका अकाउंट खोलेगा देखेगा मतलब, उसको आपको वही जो आपने स्टोरी में लगाया है वही उनको दिखेगा डीपी के तौर पे। आप भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो स्टोरी लगाया है ये आपको दिख जाएगा यहाँ से। और दोस्तों इसमें सेटिंग तो बहुत है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से आप सेटिंग पर क्लिक करके आप ये यहाँ पे अपना नाम, यूजर नेम, बर्थडे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्नैपचैट पासवर्ड, टू फैक्टर, और देखिए पार्टनर कनेक्शन नोटिफिकेशन में इसमें से बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। व्यू माय स्टोरी फ्रेंड ओनली, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्रेंड ही आपका स्टोरी देख पाएगा दोस्तों। इस प्रकार से कुछ दिया है इसमें दोस्तों। यही सच्चाई है कि स्नैपचैट पे कभी आप डीपी नहीं लगा सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सके तो स्नैपचैट एक अलग सा सेटिंग लाए डीपी लगाने के लिए। तो दोस्तों यही है स्नैपचैट पे डीपी लगाने का असली सच्चाई। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।